नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। बिहार शरीफ प्रखंड के नदियावा गांव में सोमवार के दिन पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोरोना से निजात पाने के लिए और जरूरतमंदों के बीच पौष्टिक आहार पहुँचाने का प्रयास नालंदा पुलिस ने की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दीपनगर पुलिस ने महादलित बस्ती में फलों का वितरण किया। फलों के पैकेट में नारंगी, केला, सेब, बिस्किट, अंगूर दिया गया। 112 परिवारों के बीच कुल 400 फलों से भरा पैकेट दिया गया। दीपनगर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नालंदा पुलिस अपनी ओर से जरूरतमंदों के बीच थाना क्षेत्र में जरूरतमंदों को भोजन परोस रही है। इसी कड़ी में आज नदियावा गांव में पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार के नेतृत्व में महादलित बस्ती में फलों का वितरण किया गया है। साथ ही साथ गांव वालों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का अनुपालन करने का भी अनुरोध किया है। इस बीच बच्चों ने ताली बजाकर पुलिस पदाधिकारियों का हौसला अफजाई किया। क्या कार्यक्रम आज किया गया? पुलिस सप्ताह दिवस के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा नदियावा गांव को गोद लिया गया। उसी गांव में आज पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ही और निर्देश के अनुसार ये फलों का वितरण बच्चों के बीच में किया जा रहा है, ताकि लॉकडाउन के समय भी बच्चों को ये अभाव महसूस न हो। उनको खाने पीने के खाना भी प्रतिदिन खिलाया जा रहा है और बीच बीच में इनको उनके स्वास्थ्य के लिए फल की भी व्यवस्था करके उन्हें प्रदान किया जा रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, प्रशासन को सहयोग करें और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं।